हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेरेंस सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये पार्ट 1 है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ड्यूरिंग 612 to 32 हु प्रीज द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड अल्लाह, यानी आपको बताना है 612 से 632 के बीच में किसने जो है एक ही सिंगल गॉड यानी अल्लाह की वर्शिप के ऊपर, पूजा के ऊपर जोर दिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, द एंजल मोहम्मद, द प्रोफेट मोहम्मद, इन दोनों में से बच्चों एक करेक्ट आंसर आपको देने हैं। सो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी? तो करेक्ट आंसर है बच्चों द प्रोफेट मोहम्मद जो है वो राइट आंसर है। उन्होंने कहा था कि एक ही गॉड यानी अल्लाह की आपको पूजा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट 6th century अरब कल्चर, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो 6th century के अरब कल्चर को लेकर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके सामने है, इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द अरेबियन पेनिनसुला, और कहीं इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया। तो बच्चों यहाँ पर आपको ओनली ए या कहना है कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों क्या आंसर होगा? यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी विल बी एक्सेप्टेड हेयर, कि ये लार्जली जो है एक अरेबियन पेनिनसुला के आसपास का एरिया, और दूसरा क्या है जो सदर्न सीरिया और मेसोपोटामिया के एरिया को भी जो है ये कवर करता था जो आपका अरेब कल्चर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, हु वाज मोहम्मद, आपको मोहम्मद के बारे में बताना है वो कौन थे। एक अरब थे, बाय लैंग्वेज एंड कल्चर की तरह अगर हम देखें लैंग्वेज या कल्चर से उनको, या फिर कहें एक मर्चेंट थे बाय प्रोफेशन। यहाँ पर भी ऑप्शन आपके सामने आता है, या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वो अगर अरब भी थे लैंग्वेज और कल्चर के व्यू पॉइंट से देखा जाए, और एक मर्चेंट यानी व्यापारी भी थे अगर उनको प्रोफेशन के तौर पे लिया जाए। तो क्वेश्चन 4 में देखिए, व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ए चीफ ऑफ द अरब ट्राइब, यानी अरब के जो ट्राइब्स के अगर कबीले के चीफ को चुनना होता था तो उसका क्या क्राइटेरिया होता था, किस बेसिस पे उनको चुना जाता था। तो ऑप्शन है, पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली कनेक्शंस, या कहीं उसकी जो पर्सनल करेज है, या कहीं उसकी जो विजडम है, जेनरोसिटी है, या फिर हम कहें सभी के सभी बातें जो हैं वो इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर है सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी उनकी जो फैमिली कनेक्शंस को भी देखा जाता था, ये भी देखा जाता था कि वो कितनी उनमें करेज है, साहस है, हिम्मत है, और साथ में उनकी बुद्धिमत्ता को भी देखते थे, और जेनरोसिटी होती है दयालु होना, काइंड होना किसी के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। होम डिड द पीपल ऑफ दैट ट्राइब वर्शिप इन ए श्राइन, यानी जो इनके जो इस ट्राइब के लोग थे तो वो किसकी पूजा किया करते थे श्राइन में जो है। ऑप्शन आपके सामने है, गॉड की या गॉडेस की या एंजल्स की, या कहें दोनों ए और बी दोनों करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है, वो पूजा किया करते थे श्राइन में गॉड एंड गॉडेस, यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेम मोहम्मद ट्राइब, आपको मोहम्मद के ट्राइब का नाम बताना है जिसकी बात हमने अभी रिसेंट में की है, उस ट्राइब का नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, क्रैश या फिर क्वेस्टिन या फिर कबीला या फिर खुदा की रहमत। तो बच्चों इनमें से एक वो ट्राइब है जिसका नाम था, अब आपके सामने ऑप्शन है। सो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी? तो बच्चों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जिसका नाम है क्रैश, यानी जो है उसके मोहम्मद के कबीले का नाम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। व्हाट वाज कबा, कबा एक्चुअल में क्या थी? तो द मेन श्राइन है मक्का में, या फिर हम कहें एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था ये, या कहें एक प्लेस जहाँ पर जो आइडोल्स वर कैप्ट, यानी आइडोल्स क्या होती जो मूर्तियाँ उनको रखा गया था, या हम कहें सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीस, यानी ये सभी की सभी बातें कबा को लेकर सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वेयर वॉज मक्का लोकेटेड, आपको मक्का की लोकेशन बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड ईरान, या कहें ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड इराक, या फिर ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड बलूचिस्तान, या फिर ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन
डी यानी ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मक्कन श्राइन, मक्का की जो श्राइन है उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वॉज ए सेंचुरी वेयर वायलेंस वॉज फॉरबिडन, यानी एक ऐसी सेंचुरी थी जहां पर वायलेंस बिल्कुल मना किया गया था। इट वॉज ए सेंचुरी वेयर प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू ऑल द विजिटर्स, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए या दोनों ही करेक्ट होंगे बच्चों यहां पर। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी जो विजिटर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी की जाती थी जो लोग यहां आते थे, और वायलेंस होते ही हिंसा उसको बिल्कुल मना किया गया था, यानी किसी को भी जो है हिंसा नहीं अपने हाथ में लेनी और अहिंसा के वे से चलना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। व्हाट गेव द नोमैडिक सेटल ट्राइब्स अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड शेयर देयर बिलीव्स एंड कस्टम्स, यानी क्या चीज़ ऐसी है जो नोमैडिक ट्राइब्स को या वहाँ की जो सेटल ट्राइब्स को अपॉर्चुनिटी देती थी ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएं एक दूसरे के साथ और अपने बिलीव्स और कस्टम्स को भी शेयर कर पाएं। एक तो ऑप्शन है यहाँ पर पिलग्रिमेज, यानी वो जो पिलग्रिमेज होते हैं जहाँ पर शरणार्थी रुकते हैं उसकी वजह से वो वहाँ आपस में मिलते थे और शेयर हो जाता था अपना बिलीव्स या आइडियाज़ या कस्टम्स, या फिर कहें कॉमर्स की वजह से भी पॉसिबल हुआ। कॉमर्स क्या होता है, व्यापार होता है। ओनली ए करेक्ट होना चाहिए या फिर बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही करेक्टेड हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉलीथीस्ट अरेब्स, पॉलीथीस्टिक अरेब्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दे वर वेगली फेमिलियर विद द नोशन ऑफ द सुप्रीम गॉड अल्लाह, उनको जो है भगवान के जो यानी अल्लाह को लेकर उनके बारे में उनके आइडिया जो थे वो उनसे फेमिलियर थे वो, और देयर अटैचमेंट जो है टू आइडोल्स एंड श्राइन वॉज मोर इमीजिएट एंड स्ट्रोंगर, और उनकी जो अटैचमेंट थी आइडोल्स या आइडोल्स क्या होती है जो मूर्तियाँ होती है और ये श्राइन्स को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव करते थे। तो ये थोड़ी सी ऐसी बात है जो हर किसी के उसमें नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए या फिर दोनों, ऑप्शन ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हेन डिड मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड, उन्होंने अपने आप को गॉड का मैसेंजर कब डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है अराउंड 615, अराउंड 614, 612 और 600। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, अराउंड 612 उन्होंने अपने आप को भगवान का जो मैसेंजर डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन 13 में देखिए, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद व्हाट डिड द वर्शिप ऑफ अल्लाह इंक्लूड, यानी मोहम्मद के अकॉर्डिंग जो अल्लाह की वर्शिप है उसमें क्या कुछ आता था। ऑप्शन आपके सामने है सिंपल रिचुअल्स सच एज डेली प्रेयर्स हो गए, या मॉरल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, यानी आप चोरी वगैरह नहीं कर रही हैं, आपने दान देना है। यहाँ पर हम कहें ओनली ए करेक्ट होगा या फिर दूसरा ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही बातें सही हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट वे से भी पूछा जा सकता है कि जो सिंपल रिचुअल्स वो क्या थे और उसमें आती हैं डेली प्रेयर्स, और अगर मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करें वो आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। टू होम डिड मोहम्मद मैसेज, यानी जो उनका जो मैसेज था पर्टिकुलरली अपील द मोस्ट, किसको जो है ज़्यादा वो स्ट्राइक किया कि यस उनका जो मैसेज बहुत क्लियर है अबाउट द वर्शिप ऑफ गॉड अगर बात करें तो। मक्कंस हु फेल्ट डिप्राइव ऑफ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीशन, यानी वो मक्का के लोग जिनको व्यापार से भी कुछ नहीं मिला, धर्म से भी कुछ नहीं मिला, या वो मक्कंस हु वर लुकिंग फॉर ए न्यू कम्युनिटी आइडेंटिटी, या कोई एक नई कम्युनिटी आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर भी दोनों ही ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ओनली ए या बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। व्हाट वॉज द नेम गिवन टू दोज पीपल हु एक्सेप्टेड मोहम्मद डॉक्ट्राइन, यानी क्या नाम दिया गया उन लोगों को जिन्होंने मोहम्मद की डॉक्ट्राइन को फॉलो किया, मैसेंजर या कहें खुदा के बंदे या कहें मुस्लिम्स या कहें मसीहाज। तो बच्चों जिन्होंने मोहम्मद की डॉक्ट्राइन यानी उनकी जो फिलॉसफी को फॉलो किया उनको कहा जाता था, यानी उनके धर्म को जो फॉलो करने लग गए थे उनको कहा जाता था मुस्लिम्स। जो है मुस्लिम्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट वॉज द प्रॉमिस गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद डॉक्ट्राइन, यानी जो लोग मोहम्मद की डॉक्ट्राइन को फिलॉसफी को उनकी जो टीचिंग को फॉलो कर रहे थे उनको क्या प्रॉमिस दिया गया। दैट
दे विल गेट द सेल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी जब उनकी डेथ होगी तो उनको सेल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और दैट दे वर प्रोमिस्ड ऑफ द शेयर ऑफ द रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन अर्थ, और उनको कहा गया कि तुम कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो जब तक तुम इस धरती पर हो। ओनली ए या बोथ ए एंड बी, यहाँ दोनों करेक्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही करेक्ट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। Why did the Muslims face considerable opposition from affluent Meccans? यानी क्या रीज़न था कि मुस्लिम्स को considerable opposition फेस करना पड़ा affluent Meccans से, मक्का के लोगों से? तो उसका रीज़न क्या है, जो मुस्लिम्स हैं they were forcing the Meccans to join their religion, यानी उनके religion को join करने के लिए वो कह रहे थे कि तुम हमारा जो है धर्म follow करो। ये एक उनके लिए जो है बड़ी हैरानी वाली बात थी कि हाउ एनीबडी कुड फोर्स देम, या कहें बिकॉज द मुस्लिम्स वर नॉट, जो मुस्लिम्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, या कहें जो मक्कंस हैं दे फेल्ट इट एन ऑफेंस टू द रिजेक्शन ऑफ देयर डियटीज, और उनको लगा कि जो नया धर्म आ रहा है वो क्या है उनके स्टेटस के लिए या उनकी प्रोस्पेरिटी, जो मक्का की प्रोस्पेरिटी के लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो बच्चों आपको क्या लगता है इन तीनों में से करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मक्का के लोग हैं उनको लगा कि इससे शायद उनके जो देवी देवता हैं उनकी जो पूजा है वो नहीं होगी और एक अपराध की तरह है, और साथ में उनके स्टेटस के लिए भी खतरा है, उनके धर्म के लिए भी खतरा है, तो ये उनको जो है बहुत बुरा लगा। क्वेश्चन 18 देखिए, व्हेन वाज मोहम्मद फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना, मोहम्मद को कब फोर्स किया गया कि वो मदीना चले जाएं? तो ऑप्शन आपके सामने है इन 620, 622, 624, 626। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 622 में उनको बोल दिया गया था कि आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए। क्वेश्चन 19 देखिए, व्हाई वाज मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, अब ऐसा क्यों था कि उनकी जो जर्नी थी मक्का से मदीना की वो एक टर्निंग पॉइंट था इस्लाम की हिस्ट्री में? तो इसमें है विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, या हम कहें इट वॉज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेशनल कैलेंडर। इन दोनों में से बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए? तो बच्चों जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, एक तो मुस्लिम कैलेंडर की बिगिनिंग हो गई थी तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम उन्होंने जो सेटअप कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देखिए, व्हेन वॉज द हिजरी एरा इस्टेब्लिश्ड, हिजरी एरा कब स्टैब्लिश हुआ? ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ मोहम्मद हम कहेंगे, या ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उमर, या ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान, और ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ ख्वाजा। तो इनमें से करेक्ट आंसर बच्चों आपको बताना है कि ये, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कैलिफेट एक्चुअल में क्या है, ये उस टाइम एक पोस्ट जो है वो रख दी गई थी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी, यानी ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उमर जो है हिजरी एरा इस्टेब्लिश हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, द हिजरी ईयर इज ए ल्यूनर ईयर ऑफ 354 डेज, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, द हिजरी ईयर इज ए ल्यूनर ईयर ऑफ 354 डेज, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ बच्चों इस वीडियो को स्टॉप करूंगा, बट डेफिनेटली आई विल ब्रिंग पार्ट टू वेरी सून, सो कीप ऑन वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।